ग्यारह, शायद मैं तो ग्यारह बताया भी था, देखिएगा। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी। तीन संख्याएं हैं विद्यार्थी जी, तीन संख्याएं हैं जिसमें तीन संख्याएं, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरे की तीन गुनी है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तथा था फर्स्ट के लिए यानी दूसरा के लिए, दूसरा के बारे में बोल रहा है, पहला का दो गुना और तीसरे का तीन गुना, पहला का दो गुना और तीसरे का तीन गुना। तो विद्यार्थी जी अगर ये एक तो ये तीन, अब ध्यान दिए तीन से गुना तो इसको भी तीन से गुना, दो से गुना तो इसको भी दो से गुना। अब जिनको ये लाइन न समझ में आए रेशियो लिखने के लिए, तो आपकी रेशियो कमजोर है, मैं फिर से बोलूंगा। दूसरे के बारे में कह रहा एक का दुगुना दूसरे का तीन गुना था, दो और तीन से कटने वाली राशि छह, अब इसका विद्यार्थी जी दुगुना होना चाहिए था, तीन रहेगा तब ना दुगुना होगा, इसका तीन गुना होना चाहिए था, दो रहेगा तब ना तीन गुना होगा। अब तीनों का औसत चौवालीस यानी जोगफल चौवालीस गुने तीन। अब जोगफल का तुलना जोगफल से, छो तीन नौ दो ग्यारह से, जोगफल का तुलना जोगफल से निकालनी है तीसरी संख्या, पहली और तीसरी का अंतर। तो पहला तीसरा में अंतर है एक का विद्यार्थी जी, अर्थात आंसर हो जाएगा बारह। तो रेशियो पढ़िए, काहे के लिए आप टाइम नष्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके आप लोग, रेशियो आप लोग को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी जी जो भी ग्यारह पूछे हैं आपकी रेशियो सही नहीं है, रेशियो पढ़ो भाई। पंद्रह, तीन संख्याओं का औसत साठ है, उसमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का एक बटा चार, पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का यानी चार तो ही एक। अब देखिएगा औसत साठ का मतलब जोगफल एक सौ अस्सी, तो जोगफल का तुलना जोगफल से निकालना है विद्यार्थी जी, पहली संख्या एक से गुना अर्थात हम लोगों का आंसर छत्तीस। आप लोगों को इतनी तरीके से क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप लोग बनाते, इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का औसत 135 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है। ध्यान दीजिएगा तीन संख्याओं का औसत 135 है यानी जोगफल हो जाएगा दो गो का, ध्यान दीजिएगा 135 है जिसमें से सबसे बड़ी संख्या को अगर हटा दे तो शेष दो का निकल जाएगा। तो शेष दो का निकालने के लिए 135 लिखेंगे ही विद्यार्थी जी। अब ध्यान दीजिए माइनस करेंगे क्योंकि शेष का निकालना है कितना, तो बहने कहा 60 ज्यादा लेके जा रहा है, ये हो गया औसत विद्यार्थी जी। अब जोगफल निकालना है दो से गुना कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जल्द से जल्द केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस जगह बटा दो भी होगा विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा बटा दो हो जाएगा क्योंकि दो के लिए। फिर से जरा नहीं समझ में आ रहा उनको लिख देते हैं, तीन संख्याओं का औसत 135 है, इसमें से एक संख्या 195 है, तो शेष दो संख्याओं के औसत या जोगफल पूछा जा रहा है। अगर डायरेक्ट हम लोग को इन दोनों का जोग निकालने की बात आ जाए तो तीन को गुना करेंगे 405 में से 195 घटा दीजिएगा, डायरेक्ट जोग निकल गया, पांच में से पांच गया जीरो, 40 में से 19 गया विद्यार्थी जी, इक्कीस जोगफल मालूम हो गया। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, अंतर आप लोग को दिया हुआ है 20 का, तो जोग और अंतर मालूम हो तो छोटी संख्या घटा के दूसरे भाग, अगर बड़ी संख्या तो जोड़ के दूसरे भाग, तो घटा के दूसरे भाग दीजिएगा, आपका आंसर 95 आ जाएगा, आपका आंसर विद्यार्थी जी 95 आ जाएगा। 19, चार धनात्मक पूर्णांक का औसत 59 है, सबसे बड़ा 83 है, सबसे छोटा 29 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चार का औसत विद्यार्थी जी 59 है, इसमें से एक जो है 83 है और दूसरा जो है विद्यार्थी जी 29 है, तो शेष दो का अगर हम लोग डायरेक्ट योग निकाल लें तो काम बन जाएगा क्योंकि उन दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो योग निकालने की तरीके सीखिएगा, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 59 एक का हिस्सा था, दो के लिए 118 हो गया, अब इसको भगाना है तब तो उन दोनों का निकलेगा, तो माइनस किए। अब ध्यान दीजिएगा इससे कितना ज्यादा है विद्यार्थी जी, तो ध्यान दीजिएगा 59 यानी 63 यानी 24 ज्यादा है। आगे देखिएगा इसको भी भगाना, लेकिन कम है तो माइनस करेंगे,
कितना कम है, तो 30 कम है विद्यार्थी जी, अर्थात ध्यान दीजिएगा 118 माइनस 24 प्लस 30 आ गया, अर्थात जोगफल आप लोगों को 6 और बढ़ गया यानी 124 आ गया। अब अंतर दिया हुआ है विद्यार्थी जी कितने का, तो 28 का, जोग और अंतर मालूम है, तो शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक यानी जोड़ के दूसरे भाग यानी 152 बटा 2 का मतलब विद्यार्थी जी 76। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली पांच संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, छठी संख्या का 3 गुना है पहले पांच का औसत। ध्यान दीजिएगा इसे ए बी सी डी ई लिखना नहीं, आपको समझना होगा कि पहले पांच का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, छठी संख्या का 3 गुना नहीं 1, तो औसत 3 यानी जोगफल हो जाएगा 3 × 15 3 गुना है अर्थात ही 1, तो औसत 3 यानी जोगफल होगा 3 × 15 सबों का औसत दिया हुआ 10 या 30 2 32/3 सबों का औसत दिया हुआ 32/3 यानी जोगफल हो जाएगा इतना। अब जोगफल का तुलना जोगफल से विद्यार्थी जी इसे निकालना उसे गुना करें, छठी संख्या नहीं 1 से गुना 16 × 32 यानी आंसर हो जाएगा 2 × 4। आशा करते हैं बच्चों की खेल जैसे बन रहे हैं। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, तीन संख्याएं हैं विद्यार्थी जी, इसका ही दो गुना और इसका भी दो गुना, पहला दूसरा का दोगुना, दूसरा कह रहा है तीसरा का दो गुना। अब इनके व्युत्क्रमों का औसत कल भी सिखाए थे विद्यार्थी जी, व्युत्क्रमों का औसत 7/12 यानी जोगफल इतना है। यहाँ व्युत्क्रमों का जोगफल देखिएगा 1/4 + 1/2 + 1 है ना। अब जोड़िएगा तो विद्यार्थी जी एलसीएम तो 4 आ जाएगा यानी 1 2 4 यानी 4 × 2 = 7/4 आ जाएगा। जोगफल का तुलना विद्यार्थी जी जोगफल से, अब देखिएगा 3 × 4 = 12 7/4 से 7/4 खत्म हो गया यानी 1 आ गया, अर्थात इसको 1 से गुना करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी। जोगफल हो जाएगा 7/12 यानी 7/4, यहाँ भी जोगफल तो 7/4 ही लगता आ रहा है अर्थात 1 हो गया, तो आंसर क्यों नहीं दे रहा है, रुक जाइएगा ये संख्याएं क्या होगी, 4 × 2 = 1 ही होना चाहिए, फिर से सीखिएगा कल भी मैंने बताया था, रुक जाइएगा। व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4 विद्यार्थी जी, 1/2 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इसका दिया हुआ है औसत 7/12 यानी जोगफल हो जाएगा इतना गुने 3, एलसीएम लीजिएगा 4x आ जाएगा विद्यार्थी जी, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, बराबर देखिएगा 7/4 ही तो आएगा। अब यहाँ भी देखिए 4 × 2 = 1 7/4 आ गया, अर्थात x का मान 1 आ गया, x का मान 1 होगा तो संख्या हो जाएगी विद्यार्थी जी 4, 2 और 1, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगा, उनके व्युत्क्रमों का औसत इतना है, तो संख्याएं हो जाएगा विद्यार्थी जी 4, 2 और 1, यही ध्यान दीजिएगा। तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा पहला और दूसरा का औसत, यहाँ देखिए दूसरा और तीसरा का औसत, मतलब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी पहला हट रहा और तीसरा आ रहा है, तो तीसरा आ रहा है विद्यार्थी जी पहला की जगह पर, आने से औसत ज्यादा हो रहा है, इससे अधिक होगा दोनों के लिए 15 15, तो 15 × 30 अर्थात इन दोनों में अंतर कितने का विद्यार्थी जी, तो 30 का, फिर से केयर कीजिएगा लंबी तरीके, ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा का औसत दूसरे और तीसरे से 15 ज्यादा है, पहला और दूसरा का औसत जो है विद्यार्थी जी दूसरे और तीसरे के औसत से कितना ज्यादा है 15, अब दूसरे गुना कर दीजिएगा तो a + b - b - c बराबर हो जाएगा 30, अब इससे ही कट जाएगा, देख लीजिएगा अंतर 30 का आया कि नहीं आया, वही तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी पहले तीसरा में अंतर कितने का, तो 30 का। आशा करते आपको आंसर देने आ गया होगा। 7 संख्याओं का औसत 58 है, 7 संख्याओं का औसत 58 है, इसमें से प्रथम 6 का औसत 55 है विद्यार्थी जी, तो सातवीं संख्या क्या होगी, नहीं पढ़े तो बच्चा बच्चा पढ़ा होगा,
58 है, शेष का निकालना है, घटाएंगे कितना विद्यार्थी जी, तो कम है 3, तो 18, आंसर हो जाएगा 76। पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा आप लोगों को। तरीके नंबर 2, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि छावों का औसत 55 है, सातवीं संख्या को लाने से बढ़ रहा है, किसी नई संख्या को शामिल करने से बढ़ रहा, अर्थात औसत से अधिक है, कितना, तो सबके लिए 3-3, तो 71 विद्यार्थी जी, अर्थात 77। अरे क्या कर दिए, सॉरी 55 था, 55 विद्यार्थी जी, 76 अर्थात आपका। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।